तेरा ही सहारा हमें, ओ झुंझन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, ओ झुंझन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा। माँ कौन जगत में ऐसा जिसे तूने ना उबारा, कौन जगत में ऐसा जिसे तूने ना उबारा, ओ सतियों में सती रानी हमें तेरा ही सहारा, ओ मोटी से ठानी हमें तेरा ही सहारा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आइए एक स्तवन रखते हैं छोटा सा भगवती के चरणों में। परसों मंदिर में गाया था मांड मांड कर सतिया, दो दिन से सब लोग मुझे बोलते रहे बार बार कि वही वाला सुना दीजिए, वही वाला सुना दीजिए। ये उन सबकी डिमांड पर एक स्तवन रखता हूँ, तत्पश्चात हम लोग चतुर्थ स्कंद को प्रारंभ करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आइए पुस्तिकाओं को मोड़ करके गोद में रख लीजिए और फिर मेरे साथ झूमने के लिए तैयार हो जाइए। अरे श्री चरणा में अर्ज करा सुन लो म्हारी माँ बड़ी, श्री चरणा में अर्ज करा सुन लो म्हारी माँ बड़ी। अरे मांड मांड कर सतिया थारा, मांड मांड कर सतिया थारा, हिस गई म्हारी ओ घिस गई म्हारी आंगली। हालांकि साहब जितनी ये आंगली सतिया मांडने से घिसती है ना, उतने सतियों से ये किस्मत उतनी चमक भी जाती है। हा? कहते हैं लोग आंगली ये भजन के भाव है साहब, एक भक्त और भगवती के बीच की बातें हैं। मन आए तो तुझे माँ कहकर लाड भी लड़ा लूं, मन आए तो दादी समझकर हक भी जता लूं, मन आए तो तुझे भगवान समझकर तेरे आगे परबस भी हो जाऊं। ये भक्त है इसके अनेक भाव होते हैं। हाँ तो आइए हम लोग इसी भाव को रखते हैं और जिस जिस को विश्वास हो कि ये उंगलियां घसने से ये चमक जाती है, तकदीर चमक जाती है, आइए जैसे मैया आओ तो सरी भजन को हमने झूम कर गाया, ठीक उसी प्रकार फिर से एक बार इस भजन में झूम करके गाएंगे हम लोग। हरि श्री चरणा में अर्ज करा सुन लो म्हारी माँ बड़ी, श्री चरणा में अर्ज करा सुन लो म्हारी माँ बड़ी। अरे मांड मांड कर सतिया तारा, मांड मांड कर सतिया तारा, अरे घिस गई म्हारी आंगली, करा सुन लो म्हारी माँ बड़ी, श्री चरणा में अर्ज करा सुन लो म्हारी माँ बड़ी, ओ श्री चरणा में अर्ज करा। कीर्तन हो रहा था, मैं यहाँ पर पीछे बैठा हुआ था और नोटिस कर रहा था, पुरुष वर्ग जितना भी था वो इन पूरे प्रीमिसेस में बिखरा हुआ था, ये सब अपनी कतार में बैठी थी, कोई एक आधी नाचली खड़ी होकर के तो बात अलग है,
मैं मन ही मन सोच रहा था माई कितनी नाइन छापी होगी लुगाया के साथ में, सारा मोटिया नाच रहे बापरिया ने नंबर ही नहीं आवे और दस पांच छोरिया नाच रही बा कोना में जटे में बैठे हूँ वे लोग ही कोना में नाच रहा था क्योंकि आगे सारे लड़के ही लड़के। और आज माई कितो बड़ो खेल करी सारा मोटियार बारे केवल लुगाया अंदर। देखो साहब मूछिया वाला आज आपने गिनती की में है सोच के राखियो क्योंकि तीन बार चार बार चिल्ला चिल्ला कर अनाउंसमेंट हुआ जितने पुरुष है बाहर चले जाओ केवल औरतें अंदर रहेगी। पर आपा ने चिंता करबा की बात को नहीं, आपा एकला थोड़ी यहाँ वो हनुमान बाबू और श्याम बाबू भी तो मोटियार होके भीतर बैठे है। जब वो माँ को भगवान बैठ सके तो मैं तो भगत हा। कल वो नाच रहे थे तुम देख रही थी, आज तुमको छूट है नाचने की दुनिया देखेगी। आइए मिलकर के पूरा दरबार अरे मांड मांड कर सतिया तारा, मांड कर सतिया तारा अरे घुस गई मारी आंगली, मांड मांड कर सतिया तारा घुस गई मारी आंगली अरे श्री चरणा में अर्ज करा सुन लो मारी मावड़ी, श्री चरणा में अर्ज करा सुन लो मारी मावड़ी, ओ श्री चरणा में अर्ज करा। पगतलिया भी सूझ पड़ी फिर फिर कर फेरी थारी, पगतलिया भी सूझ पड़ी अरे मांड मांड कर सतिया थारा, मांड मांड कर सतिया थारा घुस गई मारी आंगली, मांड मांड कर सतिया थारा घुस गई मारी आंगली अरे श्री चरणा में अर्ज करा सुन लो मारी मावड़ी, श्री चरणा में अर्ज करा सुन लो मारी मावड़ी, ओ श्री चरणा में अर्ज करा। घंटा की अब साकली, घर से तो ना खुड़ी
लगी अब साकरी हो मांड मांड कर सतिया धारा मांड मांड कर सतिया धारा जिस गई मारे आंगली अर्ज करा सुन लो मारी मावड़े ओ श्री चरणा में अर्ज करा सुन लो मारी मावड़ी ओ श्री चरणा में अर्ज करा श्री चरणा में अर्ज करा सुन लो भाई मावड़ी श्री चरणा में अर्ज करा सुन लो भाई मावड़ी अरे मांड मांड कर सतिया धारा मांड मांड कर सतिया धारा घिस गई मारी आंगले मांड मांड कर सतिया धारा घिस गई मारी आंगले श्री चरणा में अर्ज रहो मंगल में मावड़ी भला पधारा जी हो आनंद बरस रहो मंगल में मावड़ी भला पधारा जी
जब एक बात को हमेशा याद रखना प्यारो, तुम अपने घर पर पूजा करो, किसी मंदिर में करो, किसी सत्संग, किसी प्रवचन, किसी कीर्तन, किसी कथा में जाओ, जब आप लोगों का मन उस कथा में, उस प्रवचन या सत्संग में लगने लगे और आपको आनंद के रस की प्राप्ति होने लगे, तो समझ जाना कि डायरेक्ट सैटेलाइट से कृपा। मैं काल से देखियो, मैंने दो तीन लड़का बोलिया, बोले अमूमन हमारे ये जलसा के इस एसी हॉल में कभी मक्खियां नहीं होती। रात को भी मैं देखा, बाप रे बाप, झुड़गेरी पूरी तरह, पूरा दरबार में अटे बटे सब जगह माखियां ही माखियां दिख रही है। पछे रात में कमरा में गयो शिकायत लेकर माई से कि माई इतो बड़ो उत्सव है, इतो सुंदर श्रृंगार, इतो रकम को भोग, तू क्यों माखियां ने गिरावे तेरा काम में। फिर मन में खुद ही ख्याल आयो कि लाला, गन्ना का रस की एक बूंद अगर गिर जाए तो बटे माखियां ही माखियां हो जावे। तो अटे तो काल सुबेरे से लेकर अबार तक भगवती का नाम रस की इतनी बारिश हो रही है, अटे तो इतनी मक्खियां होनी। भगवती रो नाम रस रो प्रताप है कि एसी का हॉल में भी माखियां भिनभिना रही है। हो आनंद बरस रहो मंगल में मावड़ी भला पधार्या जी। हम और आप आज माई की नौकरियों पे लगे हैं साहब, घर छोड़कर आए, कुछ नौकरी कुछ बिजनेस, सब अपने अपने काम को दो दिनों के लिए ताले करके आ गए। मैनेजर संभाल रहे हैं, स्टाफ संभाल रहा है, पर हम दो दिन के लिए इनकी शरण में है। तो आइए, और लोग अक्सर पूछते हैं कि ये दादी दादी जपने से होता क्या है, तो एक बार कहिए आप सब मेरे साथ में, हो मेरी माई तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे घरी, मेरी माई तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। अहियां राखेड़ी ने करी भाई, होयो तो कुछ नहीं, मैं लोग थोड़ी चर्चा कर रहा था, थारा फोन की घंटी बाजी, मारो ध्यान भी। हो मेरी दादी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, हो मेरी दादी गाओ गाओ, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। अब लोग बोलते हैं कि तुमको इस नौकरी से मिलता क्या है, अरे मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, बोले बोले बोले, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, तनखा भी कुछ कम नहीं, अरे कुछ मिले ना मिले कम नहीं, मेरी तनखा भी कुछ कम नहीं, अरे कुछ मिले या मिले कम नहीं। तो सोचो, तनखा का ठिकाना नहीं है फिर भी किए जा रहे हैं, अरे ऐसी होगी का दूसरी, अरे ऐसी होगी कहा दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। अब सांसारिक नौकरियों पर जाते हैं तो पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, डिग्रियां कमानी पड़ती है, जैक लेकर जाना पड़ता है, चेक लेकर जाना पड़ता है, तब जाके नौकरी
मिलती है, लेकिन इनके दरबार की नौकरी किस किस को मिलती है मालूम? अरे कोई जन्मों का पुण्य फला, कोई जन्मों का पुण्य फला। बोलिए बोलिए ना, मैं पाठ चालू करूंगा लेकिन गाइए मेरे साथ, क्योंकि ये मेरे नहीं आपके अपने भाव हैं। कहिए गाइए, अरे कोई जन्मों का पुण्य फला, कोई जन्मों का पुण्य फला। अरे तब कहीं जाके ये दर मिला, कोई जन्मों का पुण्य फला। कहीं जाकर ये तब जग मिला, कोई जन्मों का पुण्य फला, तब कहीं जाके ये दर मिला। और गर्व करते हैं इस बात पे कि मिल गई हमको चौखट तेरी, हाँ मिल गई हमको चौखट तेरी। वो सबसे बढ़िया है सबसे खरी, वो मेरी दादी तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोलिए श्री रानी सती मात की जय। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री रानी सत्याय नमो नमः, श्री हनुमते नमः, श्री नारायणी चरित्रमानस चतुर्थ स्कंद सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी श्री नारायणी नमोस्तुते। अर्थात हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुमको नमस्कार है। तो नाथ हमें बतलाइए कली में सत की बात, कौन सती ऐसी हुई जो बनी जगत की मात, बनी जगत की मात। बोलिए सच्चे दरबार की जय। चुनड़िया बांटो साहब, मनाई नहीं है चुनड़ी बांटने की, लेकिन निवेदन है शोर मत करो। एक दो के बोलने से कितनों का पाठ खंडित होता है ये अंदाजा हम नहीं लगा सकते। किसी पाठ करने वाले का पाठ खंडित ना हो जाए ऐसी व्यवस्था बना करके चलिए। और आओ आगे वालों, आपा तो ओढ़ ली चुनड़ी, अब पाठ पे चला। हो कहो रे जय जय, हो बोलो रे जय जय। सारा नहीं बोल रहा, ये तो बोल ली, अठे वाला बोलो। हो कहो रे जय जय। उधर आगे बैठे हो नहीं टोनी, वो खाली बोल को नहीं रहो। बोलो बोलो, मने नहीं देखो, बोलो। अरे कहो रे जय जय। बोलो रे जय जय। बोलिए अब कुछ, बोलिया बोलिया। अरे कहो रे जय जय। हो बोलो रे जय जय। हो कहो रे जय जय सती रानी की, मावड़ी झूझड़ वाली की। कहो रे जय जय सती रानी की, मावड़ी झूझड़ वाली की। बोलो रे जय जय सती रानी की, मावड़ी झूझड़ वाली की। बोलो रे जय जय सती रानी की, मावड़ी झूझड़ वाली की। ओ सतयुग द्वापर त्रेता माही, अगणित सती हुई जग माही। कलयुग माही सत की गाथा, चाहू नाथ जोड़ कर हाथ। हो कलयुग के सब लोग दुखारी, कही विधि उतरी पार खरारी। कृष्ण कहे सुनो प्रिया हमारी, एक सती है नजर हमारी। कौरव पांडव युद्ध हुआ था, चक्रव्यूह भी रचा गया था। अर्जुन सुत अभिमन्यु प्यारा, जिसने कौरव दल संहारा। के बालक ने बहुत लड़ाई, वीर गति अभिमन्यु पाई। नाम उत्तरा प्रिय पत्नी थी, संयोग गर्भवती भी थी। सती होने से रोक दिया था, उसी समय वरदान दिया था। महासती कलयुग की होगी, नहीं अगर तू अब सती होगी। वही उत्तरा जन्मी आकर, तपोभूमि भारत में जाकर। गुरु श्यामल घर जन्म लिया है, नारायण शुभ नाम
दिया है, अभिमन्यु ने जन्म ले लिया, सुंदर तन धन नाम दे दिया, गणेश सूत्र में अब बंधेंगे सुखी जगत के लोग करेंगे। रुक्मण बोली मैं देखूंगी नारायणी का सत पर खोगी, भल ही प्रिया कह कृपा निधाना, पेश जोगिया लगे बनाना। हो जोग रुक्मण राधिका रूप बनायो, जोगी रूप लियो श्याम ने सत पर खन को जा, सत पर खन को जाए। अलख जगाई गुर सामल घर बोले हर हर बम शिव शंकर, पत्नी समेत आय सिर नावा, सुता बुला परिणाम कराओ, भले बाग साधु घर आए प्रेम से भीतर लाए। ओ चकित हुई नारायण देखे राधा रुक्मण अति विशेष, अति आदर पद कमल पखारे, चरणामृत भय सुखारे, पान सहित भोजन करवाया, जल पिलाए अचमनी कराया, राधा रुक्मण और निहारे, बोले चौदश देख करारे। ओ घर घर में उत्सव है छाया, कारण पुरगाँव सजाया, हरि नारायणी का ब्याह रचाया, यही कारण घर गाँव सजाया। और गुरु सामल बोले कर जोड़े एक विनती सुन प्रभु मोरी, ओ कन्या की रेखा पढ़ो तो भविष्य बतलाए, सुखी रहे कन्या मेरी ऐसा करो उपाय, ऐसा करो उपाय। नारायणी का हाथ देख कर भाग्य बताओ मन विचार कर, नारायणी को तुरंत बुलाया, पाम हाथ उनको दिखलाया, हाथ देख बोले मुन जाओ तन धन का भी देवाला, कहे मुन सुनो उम्र तन धन के अब बाकी है थोड़े दिन की, अरे अब तुम बात हमारी मानी, पूजा बन खोजो नर ज्ञानी, मुकलावा जिस दिन भी होगा तन धन यमपुर गामी होगा, सुनी मुनि वचन पिता मुरझाए, माता ने भी होश गवाए, ते ही समय नारायण उठ कर बोली वचन हृदय को दृढ़ कर, जो कुछ भी भविष्य है मेरा फिर भी तन धन ही वर मेरा, मैं नहीं दूसरा वर ब्याहूंगी, मन से तन धन ब्याहूंगी, जन्म जन्म का साथ हमारा नहीं तज दूसर नहीं भरता रहा, राधा रुक्मण अति सकुचाए, मन ही मन अत्यंत शर्माए, हाथ जोड़ बोली नारायणी, सकल भांति मन में अनुमानी, ओ नारायणी पहचान गई ये तो नंद किशोर, हाथ जोड़ बोली तुरंत सुनिए माखन चो, सुनिए माखन चो, सतयुग द्वापर में छल करके भक्तों को चलते जी भर के, छले भगत त्रेता युग माई, छलने की पर भूख न जाई, ओ अब छल छोड़ दरस दो नाता, हाथ जोड़ कर नाओ माथा, ओ वृंदावन माखन चोरी की अब आदत छोड़ो चोरी की, ओ माता पिता को करो सुखारी, यह प्रसंग भूली सुरारी, ओ राधा रुक्मणी और निहारी, हाथ जोड़ आरती उतारी, ओ लखी रुक्मण बोले चल दारी, आज पकड़ी गई चोरी हमारी, ओ तुरंत चतुर्भुज रूप बनाया,
अपने टूटे दिल को जोड़ी, अपने टूटे दिल को जोड़ो। तो बाल नारी हट राज हट, जग में है विख्यात। जब तीनों हट पर अड़े, माने नाही बात। मात उठी विकलाई कर, बोली वचन सक्रोत। आँखों से गंगा बहे, गला गया अवरो, गला गया। क्या कहा मैया ने की नाथ, मैं तो ऐसे लड़के के साथ में अपनी लड़की का विवाह नहीं कर सकती जिसकी आयु 1 वर्ष और शेष है। भगवान की लीला है साहब, कलिकाल में भगवान आकर के, और इधर जब नारायणी ने देखा कि भगवान सारा काम बिगाड़ गए, तो फिर ये भी पुकारी, और फिर वो भी आए। आरत देखा भक्त को गरुड़ चढ़े प्रभु, वो भी आए। लेकिन आने के बाद उन्होंने भी क्या किया, हे नारायणी मैं जाकर के कह दिया कि तू कौन है, तो फिर भूल जा तेरा विवाह। तेरे माता पिता तो तेरी शादी कराने से पहले तेरा मंदिर बना लेंगे अगर उन्हें पता लग गया कि तू कलयुग में अवतार है। हाँ लेकिन मेरा वचन है, लीला जरूर करी पर ये वचन भी है नारायणी कि तू जब जाकर समझाएगी माता जल्द मान जावेगी। तुम जाओ और जाकर के समझाना, तुम्हारी माँ मान जाएगी। भगवान लीला खेल रहे हैं, आइए हम भी लीला की ओर अग्रसर होते हैं। और माता गुरसहाय जी महाराज से क्या कह रही हैं, अरे कंत हमारी बतिया मानो, अरे कुएं में मत फेंको नारानी। ते तो मर्द हो करनी चाहते, दुख पावे थारी नारायणी। 9-10 मास गर्भ में राखी, जद दिखी सूरत नारायणी। नारी की ते पीड़ा के जानो, क्यों जीती जी मारो नारायणी। अरे ना जाके पाली लाडो मेरी, नाम दुहागण होए नारायणी। यह शादी अपने भगत की आंख में आंसू देख ना पाते हैं कन्हैया, दौड़े आते हैं। सच्ची में मैं तो आज तक भगत की जितनी कथा सुनी, हर कथा में मैंने यही देखा कि कन्हैया मोड़े आते हैं, दौड़े तो मुझे कहीं नहीं दिखे। जब तक हिरण्यकश्यप प्रहलाद को तड़ता रहा, पटकता रहा, उछालता रहा, जब तक भगवान नहीं आए कहां दौड़े आते हैं। हा? एकदम अंत जब होता है कि अब कोई और सहारा नहीं है और भक्त करुण पुकार कर दे भगवान के आगे, तो भगवान तत् क्षण उस भक्त की सहायता को दौड़े। किसी ने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी है,
गजेंद्र मोक्ष। आप सब तो यहाँ विदर्भ की जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, उनको अगर भगवान कृष्ण की साली कहो तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि रुक्मणी जी भी विदर्भ की है ना। तो अगर अगर भगवान की आप सबको आज सालियां मान लूं तो कोई गड़बड़ वाली बात, आप सब सालियां हैं। और मोटियार साला, सालो तो सुनते ही लगे जाने कोई कहीं दे दियो। अरे भाई गाली को नहीं, धर्म रो रिश्तो है सालो, हाँ चाहे लूलो चाहे लंगड़ो चाहे कालो, पर जीव से प्यारो सालारी महिमा ही महान है सा। और मारा अपना मारवाड़ी समाज का मायने तो बस लुगायारा पग में भी दिन घूगरा सबसे ज्यादा बंदे जी दिन पियर को कोई आयोडो रहे, सासरा को तो कोई आ जावे तो आपको तो रोज कोई काम है आता ही रहे। अब आर तो आके गया भैया जी, ओ चू आ रहा है। अब भाई आ रहा है तो मोटियार कहीं करे भैया फोन कर रहे आ रही हूं, पर नहीं, प्रेम प्रेम की बातें हैं। लेकिन इन प्रेम की बातों में एक प्रेम की बात और कहता हूं साहब, फिर से निवेदन, मैं आपको आदेश करूंगा ही नहीं, क्योंकि जिस दिन से हम व्यास गादी बैठे हमने सोचा हम नहीं बोलेंगे, जो बोलेगी दादी नहीं हमारी गादी बोलेगी, ये व्यास गादी बोलती है साहब, हमसे बुलवाया नहीं जाता है। मन में भाव आया तो रखता हूँ। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि वो जब भी माई का मंगल कीर्तन आदि करवाते हैं तो वो पहरावणी जो भगवती के नाम की निकालते हैं या पितरों के नाम की निकालते हैं, जिस पर अधिकार अक्सर बहन बेटी का होता है, अक्सर अधिकार, और ये बहन बेटी का तो इसलिए होता है कि पहले की लुगाया ई बात से डरती के मारा जाया बाद में बेटा बहु देसी नहीं देसी, तो नियम बना करके चलिया जाओ कि भाया देवता के जो भी चढ़े को बहन बेटिया ने, क्या कम से कम यो तो पहुंच तो रहे है। हा? मैं सही बोल रही हूँ साहब, अगर थाने भात अच्छो भरवानो हो ना तो भैया के तो खाली बिंदी भी चाल जाए, पर भाभिया के 250-250 ग्राम रोली को तिलक लगाया करो तो भात अच्छो होगो। भाभिया राजी तो भाई राजी, परिवार राजी, भाभिया रे कमी नहीं। लेकिन बे भाभिया भी सुन लो कान खोल करके, आज का बाद अगर मैं लोग माई का काम कोई भी वस्तु निकाल सा तो मैं वही निकालूंगी जिसको पहनने की औकात मैं रखती हूं। मैं खुद 5,000 का पहन करके 200 रुपए की सुपरनेट की साड़ी दादी के लिए, और फिर वही बहन बेटी क्यों, यो तो देणो है तो देणो किने है वो तो देख है। अरे बहन बेटियां तो बहुत बाद की बात है साहब, सबसे पहले तो चढ़ावो भी डोकरी का चरणा में रखी जाए, बीकी सोचिया करो कि बा के सोचेगी के ले लाला मारे से तो सिल्क की मांग के ले गयो और मारे लिए हा? अगर बा या सोच ली और फिर साटा बाटा पर उतरगी के जैसा देना वैसा ही लेना, फिर कहां जाओगे हा? 5 दिन 5 हफ्ता आज के बाद अगर यहां बैठने वाली प्रत्येक महिला जो भीतर है वो भी और जो बाहर सुन रही है वो भी, कान खोल करके सुन लो साहब, इसे चाहे आप मेरा निवेदन मानो चाहे मेरी माई की तरफ से आदेश, आपकी मर्जी जो आप मान लेना, मैं अपना भाव दरबार में रख रहा हूं। अगर हमारी बहन बेटी घर आएगी तो उसे हम उतना अच्छा से अच्छा देंगे जितना अच्छा पहनने की औकात हमारी भी। बस साल भर की आईडी बहन बेटी ने कदे भी निकालिया फिकालिया, जी जी ये भी लेते जाओ यो 11 को निकालियो, जी जी यो भी लेता जाओ यो सकरात को निकालियो, जी जी यो भी लेता जाओ यो, बस जी जी भेड़ा कर रही और देख रही हमारी दाया भी कोनी लेवेगी ये साड़ी ने भाभिया माने जिला रही। क्यों साहब, मैं और कुछ नहीं कहता सिर्फ इतना कहता हूं, 50,000 का पहनते हो तो आई 4 दिन की बहन बेटी को कम से कम 5,000 की साड़ी तो पहना करके घर से। समाज है ना हमारा,
प्रेम है ना हमारा। हमारा समाज क्यों फेमस मालूम? सनातन धर्म संप्रदाय अपने हृदय के भावों के कारण फेमस है। बाकी धर्मों में देखो, धर्म तो है पर भाव नहीं है। नियम है कि निभाए जाओ निभाए जाओ, पर हमारे धर्म में नियमों के साथ साथ भाव है, प्रेम है, जुड़ाव है, लगाव है। और वो लगाव आजकल धीरे धीरे इस कटते हुए लगाव को आइए ना हम सब फिर से जोड़ने की कोशिश करें। तो आरत देखा भक्त को गरुड़ चढ़े प्रभु आए। और भगवान मोड़े और दौड़े मुझे नहीं पता, पर हम तो इतना जानते हैं कि जब जब असहाय होकर हमने पुकारा है तब तब हमारी माई तो दौड़कर हमारे काम के लिए आई है। इसीलिए मैं जिस दिन से ये व्यासपीठ और माइक को पकड़ा ना साहब, उस दिन से आज तक एक ही चीज बोलता रहा, ओ झुंझुनू वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, ओ तेरा ही सहारा दादी तेरा ही सहारा, ओ मोटी से ठाणी हमें तेरा ही सहारा। तो आइए होश गवाए मात ने पड़ी धरण पर जाए, गुर सामल भय सो बस दुख नारी दह सवार, इधर बुलाया कृष्ण को नारायण सिर नाय, आरत देखा भक्त को गरुड़ चढ़े प्रभु आए, गरुड़ चढ़े प्रभु आए। और क्योंकि ये धरती विदर्भ की धरती है, क्योंकि ये धरती महाराष्ट्र की धरती है, इसीलिए एक जय घोष फिर से बनती है दरबार में। बोलिए श्री विठ्ठल पांडुरंग महाराज की जय, बोलिए संत श्री नामदेव की जय, और यहाँ से बहुत निकट समर्थ श्री गजानन महाराज की जय, और जिस जगह बैठे उस शहर के राजा अधिराज राज राजेश्वर भगवान की जय, और जिनकी छत्र छाया में बैठे हैं उन राज राजेश्वरी रानी सती माई की जय। तो आइए पाठ को बढ़ाइए आगे। अरे नारायणी बोली अकुलाई, अपने गुरु को शीश नवाई, ये क्या कर दिया दीना नाथा, पीछे भवर मत छोड़ो साथा, मात पिता की मति फिराई, जल्दी उनको करो सुखाई, पूर्व जन्म की बात बताओ, धन धन दासी रहस्य बताओ, ओ प्रसन्न बोले यदुराई, तुम अपनी माता कहीं जाई, तू जब जाकर समझावेगी, माता जल्द मान जावे, दे आशीष भय अंतर ध्याना, गुरु सती किया परिणाम, तुरंत मात पही दौड़ी आई, आकर उनको होश कराई, जब पत्नी को होश आ गया, गुर सामल भी बाहर आ गया, गंगा जमुना आंखों से बहाई, नारायणी को गले लगाई, ओ फूट फूट कर रोवन लागे, नारायणी तब कहने लागी, भगवान ने कहा तू जब जाकर समझाएगी माता जल्द। ये गई अवतार किस युग में लिया? जोर से कलयुग में। मैंने पता तो चले कितना बोल रहा है। कलयुग में अवतार लिया और कलयुग की ही नीति, जो माई चुटकियां बजाकर अपना बेटा पोता को बहुआ को काम कर सके, बिने कितनी देर लगती अपनी माँ की बुद्धि फिराता, पर आगली अपने माँ की बुद्धि नहीं फिराई, कलयुग की नीति से चली। आज हमारे बच्चे जैसे हमको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ना, तुम देखो तुम्हारी आंखों से तुम लोग मंगल खाली पढ़ते रहे, लीला समझ ही नहीं पाए कि वो मंगल में क्या क्या लिखवा दी। आप आज बोलते हो
कि ये क्या नमो नमो कहता है, हर हर नारायणी घर घर नारायणी। जब नमो नमो नहीं था, रमाकांत जी मंगल लिखे थे तब उन्होंने लिख दिया था, घर घर तेरी पूजा होगी क्या गृहस्थ क्या तापस जो हो, जो रानी सती नाम जपेगा सुख संपत्ति से पूर्ण रहेगा। मैं तो उसी पर चल रहे हैं जो हमको हमारे बड़े बोल करके गए और खुद भगवान ने कह दिया, तो फिर मानना अनिवार्य हो जाता है। एक छोटा सा प्रश्न और रखता हूं आज। अक्सर लोगों के हृदय में ये बात रहती है कि दादी जी के कुल गुरु कृष्णचंद्र भगवान वर्ण, वस्तुतः बात तो चर्चा की ये है कि उत्तरा के कुल गुरु, क्योंकि पति का गुरु स्त्री का गुरु होता है। स्त्रियों को नाम लेने की या दीक्षा लेने की अनुमति नहीं है। सनातन धर्म में यदि कोई गुरु अगर किसी स्त्री को दीक्षा दे रहा है तो गलत है। शास्त्र विधि के अनुसार पुरुष को स्त्री का गुरु माना गया है। आपके जो भी पति हैं प्रथम गुरु वो हैं आपके विवाह के पश्चात, और वो पति जिससे दीक्षित है वो आपका गुरु होता है। ठीक उसी प्रकार से कलयुग में भगवान अवतार लिए के नहीं लिए से मुझे मतलब नहीं, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए भगवान परीक्षित को बचाने गए, और परीक्षित को बचाने के लिए वो उत्तरा के गर्भ में गए, और जो उत्तरा के गर्भ में जाकर गर्भ से निकलेगा वो उत्तरा का गुरु नहीं उत्तरा का पुत्र होगा। और पुत्र का नियम होता है कि व्हेन आई वाज गो विद माय मदर एनीवेयर समवेयर, उस जगह पर मैं पहला आसन अपनी माँ को दूं उसके बाद खुद बैठूं। आपके साथ आपकी माँ जाएगी, पहले कौन बैठेगा? कौन? माँ। तो इन्होंने क्या कहा, मुझसे पहले बोले ना, जबकि भगवान कृष्णचंद्र तो योगेश्वर हैं, सर्वसत्ताधिकारी हैं, पर खुद के पूजन से पहले प्रतिष्ठा, बिकॉज कौन हुई? माँ। ये नारायणी उस नारायण की भी जननी है कलयुग में, इस बात को गांठ बांध लो। इसके सिवा मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना। ओ झुंझुनू वाली दादी हमें, तो आओ, जैसे हमारे बच्चे कलयुग में हमको आकर ब्लैकमेल करते हैं, हमने भी किया होगा अपने वालों को, किसी ने भाई को, किसी ने भौजाई को, बहनों को, माता को, पिता को, अरे जीवन में कभी ना कभी तो ब्लैकमेल किया होगा। वही इमोशनली ब्लैकमेल आज नारायणी भी तो कर दी अपनी मम्मी को। समझा रही, समझा रही, समझा रही। जब माँ नहीं मानी तो खुद क्या बोली, हो मैं तो कूद आगन मर जासू ए माँ, मैं तो बोली ना, या तो ये काम कर नहीं तो मैं, दिस इज कॉल्ड इमोशनल ब्लैकमेल। तन धन ने नहीं छोड़ूंगी अरे मैया, तन धन ने नहीं छोड़ूंगी ओ म्हारी, तन धन से लाला गिरे गिनाओ। नहीं गिना पाओगे ना तो फिर बोलो, ओ मारो जन्म जन्म को सागो ए मा, मारो जन्म जन्म को सागो ए ओ, अब
कभी संग नहीं छोड़ूंगी, हे मैया अब भी संग नहीं छोड़ूंगी। कि सारो जग रूसे रूसन दे मातन धनी, की ललना भरे जीवन में वर एक, एक। तो तन धन को लंजो मेरी माता आज परा तेरे माँ वल्ली आज परा तेरे, तन धन को लंजो फिर माता हर्ष कर बोली तेरी अब सच वासु बोली, तारे मेहंदी आखिर चासुए तन धन को लंजो, मत मेरो दूध लजाजे तू अमर सुहागन बाजे, मारो ही बड़ो बर बर आवे रे तन धन को लंजो, जा आशीर्वाद है मोरी मर चौपड़ारी रोली, अरे यो रमा कांत जस गावे जी या को सगला भगत सग गावे जी, तन धन को लंजो मेरी माता आज परा दे रे तन धन को लंजो, अरे मन दादी आज परा दे रे हर नाम को लंजो, माँ हर साई चित में ही वड़े लई लगाए, और जापति से कहने लगी करो तैयारी जाए। अब तक यही माता बाधा बनी हुई थी कि जाओ सगाई तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, किंतु अब यही माता प्रेरित कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, मोटिवेट कर रही है कि हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। गुरसामल जी बेटी का ब्याह है, जाओ और तैयारियां करो। गुरसामल जी ने जैसे ही इतना सुना और सुनने के साथ जैसे होता है ना कि वो तो इंतजार ही इसी बात का कर रहे थे कि कब ये मुझको ऑर्डर दे और मैं, और गुरसहाय जी ने जैसे ही सुना वैसे ही क्या किया, जहाँ तहाँ दूतन दौड़ाए सगे संबंधी सभी बुलाए, अरे स्वर्णाभूषण बनने लगे दर्जी कपड़े सीने लगे, सकल भवन में रंग कराया भांति भांति का चित्र मंडाया, ताल मृदंग बाजने लगे शहनाई के सुर भी जागे, मुख्य द्वार तोरण बंधवाए चौके अरे देश देश के गुनी बुलाए, भांति भांति पकवान बनाए समाचार पुरवासी पाए, घर घर मंगल बाजी बधाए, एक आए दूजा फिर जाए इत उत खड़े लोग बतलाए, जनवासा सुंदर बनवाया सब सागर सब भाती सजाया, सुंदर गद्दे लगे सुहाने सभी दिल लगे बिछवाए, और तकिए मसनद बहुत मंगाई चारों ओर पिलर की बिछाए, हरिजन सुंदर करी सफाई सिंका खूब जमीन भिगाई, हो तेल बान कन्या को चढ़ाया
विविध भांति असनान कराया, वो विविध भांति असनान कराया, विविध भांति असनान कराया, ओ मारी हल्दी को रंग सुरंग हो निप जे माल वीर, मारी हल्दी को रंग सुरंग कंचन बरणी केसरी जी, कंचन बरणी केसरी ओला तो आवे आवे बहुत सुगन हो दीप रे, ओ मारी हल्दी रो रंग सुरंग हो दीप जे माल रे, ओ या हल्दी बिंदा यक जी मुलाई, या हल्दी बिंदा यक जी मुलाई, बाई रुद सुधरे मन को प्राप्त सूचना। जैसा कि मुझे कहा कि विवाह का एक विवाह उत्सव नृत्य परिवार के बच्चों ने बना रखा है, मेरा निवेदन है जो भी सहभागी करने वाले हैं वो लोग दरबार में हैं कि नहीं, भगवती के विवाह उत्सव की झांकी जिन लोगों ने तैयार की है वो लोग कहां पर है जरा दरबार में आ जाइए साहब, किस तरफ, तो आपका भजन क्या है कैसे है बता दीजिए। चलो आप लोग तैयारी कीजिए, जब तक अपने मेहंदी दो पंक्तियां मेहंदी की गा लेते हैं दादी जी के दरबार में। हो सुन मेहंदी रे कुण सा कमाया बड़ भाग रे, थाने दादी जी उठाई निज हाथ रे, सुन मेहंदी रे कुण सा कमाया बड़ भाग रे, थाने मावड़ी रचाई कर हरियल काया पाई, सूरज जी की धूप खाए कर हरियल काया पाई, सवाई रे सुगनी सुहागन बड़ भाग रे, हमें मावड़ी रचाई निज हाथ रे, सुन मेहंदी रे कौन सा कमाया
दादी जी का विवाह उत्सव दरबार में तंदनदास जी की घोड़ी के समय एक घोड़ी गाएंगे दादा की हम सब मिलकर के। आइए मचाइए साहब, शोर मत मचाइए, शांति से रहिए, शांति से रहिए। श्री दादी जी परिवार आकोट के द्वारा आज का यह विवाह उत्सव की नृत्य आप सबके सामने समक्ष पेश है। माई के श्री चरणों में इनकी हाजिरी है। फिर से ये चालू हो उसके पहले जोरदार ताली बजा दीजिए, बोलिए रानी सती मात की। हो गया उनका चालू हो गया।
सती मात की नहीं, इतना इतना जोश धीरे कैसे हो गया आप लोगों का भाई, थोड़ा जोर लगा करके। ऐसे जब आप लोगों को इस हॉल में व्यवस्थित कर रहे थे तो मैं वहां खड़ा खड़ा देख रहा था, सब लोग बोल रहे थे कि बैठ जाइए, शोर मत मचाइए, बैठ जाइए, तो आप लोग इतनी जोर जोर से बोल रहे थे कि वो नाच तो करा रहा था बटे तक पत्तो चाल रहे थे कि हॉल का मायने लुगाया भरगी। और अब जब आप लोगों से निवेदन किया जाता है कि बोलिए बोलिए, तब आप लोग बोलते नहीं। कहिए जयकार एक बार दादी के नाम की, बोलिए श्री रानी सती मात की। बोलिए सच्चे दरबार की जय।
बोलिए श्री रानी सती मात की जय। तो आइए विवाह प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं मिलकर के। तेल बन की रस्म करे मामो गोद उठाए, ल्या बनड़ी बैठा दई उपमा नहीं कहा, उपमा नहीं कहा। ओ कहो रे जय जय, ओ हिंगोली वाला बोलो बोलो, किताब पकड़ रखी है टिपटी कहीं देखे बोल, अरे बोलो रे जय जय। थे भी बोल लो, मई रो गुणगान कर ले यार, गाओ मेरे साथ, अरे कहो रे जय जय, हो बोलो रे जय जय, हो कहो रे जय जय। सती रानी की मावड़ी झूझन वाली की, बोलो रे जय जय सती रानी की मावड़ी झूझन वाली की, हर जय जय सती रानी की मावड़ी झूझन वाली की। ओ हो हो भामिनी सुंदर गीत सुनाए, चढ़ अटारी गणपति मनाए, हर जूत जूत मिल आई सखिया, बहुत प्रकार बनाए बतिया, हर बहुत भांति के मंगल गाकर सखिया लगी सजाने आकर, लाल चुनरिया दुल्हन सोए रतनहार, मोतियन की माला गल सोए कमर, पागड़ी चूड़ा मोहे, हर पांवों में पाजेब सुहाए, लाल मोचड़ी अति मन भाए, सब प्रकार की नो सिंगारा, हाथ पांव मेहंदी रंग प्यारा, यही प्रकार सिंगार कर सखियां चारों ओर, रमाकांत जस गाय सी होकर प्रेम विभोर, अरे उधर नगर ही सार में हर घर मंगलाचार, एक सेकंड एक सेकंड, आपने दर्द तो कोनी ना पग में, नहीं ना तो गोड़ा छोड़, जो दरबार में यूं बांध करके बैठे ना, याद रखना भी कि अर्जियां भी बंदी रह जावे खुले कोनी। हाँ, एक तो ऐसे और एक भाई सतीरा दरबार में बैठा, कोई रे शोक में थोड़ी गया, जो हर्षित होकर बैठो। मैंने नोटिस किया परसों मंदिर में भी और कल भी, उज्जवल जी के मुंह पर बार बार उज्जवल बना बार बार बोल रहे थे, मुस्कुराते रहिए हंसते रहिए कि वो खुश होती है। तो जब आपको कोई कह रहा है कोई समझा रहा है कि आपके मुस्कुराने से मेरी माई खुश होती है, तो फिर आपको तो इतना मुस्कुराना चाहिए कि रोना भी आए तो आदमी की हंसी निकल जाए। अगर इससे मेरी माई खुश होती हो तो ये काम तो मुझको कॉट भैया भटक जाऊंगा, जल्दी दबाओ हो। अच्छा चेंज शिफ्ट चेंज, बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो इसीलिए बोलता हूं कि भैया जुड़े रहिए दरबार के अंदर में, कॉर्ड दोगे नहीं तो ये लोग गालेंगे थोड़ी देर तो। ओ झुंझनू वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, ओ तेरा ही मंगल होने के बाद कीर्तन होगा, आरती होगी, समापन होगा, मैं अपने घर आप अपने घर और वो घर घर, मैं अपने घर आप अपने घर पर मेरी माई तो घर घर जाएगी। लेकिन कभी भूले चूके समय मिल जाए, क्योंकि आदमी आज का बहुत व्यस्त है, समय नहीं किसी के पास। कई बार होता है ना कहीं भी जाना होता है तो ठीक है ना कौन देखेगा बाहर, ऐसा हुआ एक बार साहब फटा लीतरा कपड़ा पैर कर मांगा, पुष्कर जी महाराज मेरे का पास में ही है बटे भांति भांति का अंग्रेज आवे,
बिलो फटा टूटा कपड़ा पहन करके आवे। मैं मारा एक दिन गया तो मैं मारा परिवार का आदमी से पूछो कि राम एलो कितना फटा टूटा हाल में आवे, यान टीवी पर देखा जब तो अंग्रेज तो घना ही सूट बूट टाई वाई पहरेड़ा रहे, और अपना गांव में आवे जब फटा टूटा तो बे सब बोले बोले आने अठे कोई जाने नहीं जी कारण ए लोग यही पहर लेवे, क्योंकि जठे कोई ने कोई जान रहे है बटे। तो फिर मारा मन में आई कि मारला भी तो विदेश जावे, कोई अमरीका न कोई कठे न कोई कठे अभी हमारे बटे जाकर फटा ली इतना पहरे यो क्यों, बोले इना ने बठे कोई नहीं जाने, बाने अठे नहीं जाना अठे वाला ने बठे नहीं जाने, पर यारो आपा ने तो वा भी जाने और भी ने। ओ झुंझन वाली दादिया में तेरा ही सहारा, हो तेरा ही सहारा दादी तेरा ही सहारा, हो तेरा ही सहारा दादी तेरा ही सहारा, ओ मोटी से ठाणी हमें तेरा ही सहारा, चले चलिए साहब। हो का हो रे जय जय, हो बोलो रे जय जय। अरे ये दोहा पढ़ लिया क्या? नहीं पढ़ा ना, तो फिर क्यों कहो रे जय जय, पहले दोहा पढ़ो। ऐही प्रकार श्रृंगार कर गाओ सखिया चारों ओर, किसी होकर प्रेम विभोर, उधर नगर ही सार में घर घर मंगलाचार, चाली राम घर छारयो उत्सव बड़ो अपार, उत्सव बड़ो अपार। अब बोलिए कहो रे जय जय, हो बोलो रे जय जय, हो कहो रे जय जय सती रानी के बावड़ी झूझण वाली के, कहो रे जय जय सती रानी की बावड़ी झूझण वाली, बोलो रे कहो रे जय जय सती रानी की बावड़ी झूझण वाली के, कहो रे जय जय सती रानी की बावड़ी झूझण वाली की। वासी दीवान बुलाए मन हर्षाए सभी चल आए, जल्द बारात सजावो जाए अब विलंब कई कारण भाई, हर सुनी बात पूरी जन हर्षाए फूल के बदन अपने घर आए, हो सबने निज निज साज सजाए सामान जाने घर आए, नाना भांति के रत होते दिन मह सुंदर घोड़े जोते, सूत मगध बंदी गुण गायक चले जान चढ़ी जो जहिलायक, ऊंटम छब बेसर बहु भांति चले वस्तु बड़ी अगणित जाति, अरे अनगिनती सेवक समुदाय सुंदर साज समान बनाए, ओ भांति भांति पालकी सजाई हर्षित चले पीप समुदाय, चढ़त अटारिन देखई नारी लिए आरती मंगल थारी, वो अति आनंद ना चाहे बखाना गावहि गीत शिरोमणि श्री तंधन दास जी महाराज की जय। तो आइए दादा की बारात मनाते हैं, उसके बाद पाठ को आगे बढ़ाएंगे। पहले जो पुस्तक में दिया हुआ है ये गा लेते हैं, फिर एक भजन, उसके बाद पाठ को। चलिए सबको आती है राग, रात दिन हम गाते हैं, आइए मिल करके गाएंगे। एक बार तो एकदम धीरे धीरे बजाना, नहीं आप तो चलता रहे वो, देखो आज इनसे गवाते हैं। हो घोड़ी मंगाई हाँ, हो घोड़ी मंगाई सजा कर बड़े की माता, घोड़ी मंगाई माता, देखो आगे पीछे नहीं चलना, आगे पीछे इस पर चलो एक साथ मिलके। हो घोड़ी मंगाई, हो घोड़ी मंगाई, घोड़ी मंगाई, घोड़ी मंगाई, हो घोड़ी मंगाई सजा कर बंगले
बड़ी माता सजा कर बड़े की माता रूपी तवरण की घोड़ी चम चम आई गहना सुखूब सजाई बड़े की माता गहना पर आया ऊपर जीन बनाई मखमल की गादी बिछाई बड़े की माता सहरा बंदा पेच पर किलंगी लगाई भाभी की बारात मिलकर के सभी को मनानी है एक जयकार बोलिए वीर शिरोमणि श्री तंदन दास जी महाराज की बोलिए अग्र कुलभूषण वासल गोत्र श्री तंदन दास जी महाराज की ना तंदन जी को जयकार और तंदन जी की तरह लागनो चाहिए बोलिए तंदन जी महाराज की। तो आइए एक बारात छोटी सी श्री तंदन दास जी की गा लेते हैं उसके बाद और इसमें नाच भी लीजिए जिसको नाचना है उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। चलिए हो अरे नगर हिसार से महम ढोकवा नगर हिसार से महम ढोकवा सबको गाना है गोटा नहीं बांधना है अरे महम हिसार से नगर ढोकवा हिंदी तो गा लोगे मारवाड़ी तो गवासी ऊपर पहले हिंदी तो गाओ देखो साहब आप मारवाड़ी हाँ ढोकवा ये सब हरियाणा में फंस गए हिसार और पर आप आकर के बैठी मारवाड़िया का बीच में बटे का लोग तो मुझे जाने को नहीं बटे का तो कहीं कर्री सहन कहीं खारी सहन सही सहन पूरा हो लिया मैं लोग तो देखो वाणे अपनी भाषा समझ में आवे नहीं आवे तो आप हिंदी गावा फिर मई जब आ जाए अपना पास तो मारवाड़ी गावा बोलिए सच्चे दरबार की। लेकिन अभी अरे नगर हिसार से महम ढोकवा नगर हिसार से महम ढोकवा सबके ही मन भाए हैं भाई हैं अरे आए हैं बनड़ा बन तन धन आए हैं आए हैं। चलिए इस एक भजन के लिए माताओं को भी छूट भाइयों को भी छूट तंदन जी और नारायणी की जोड़ी एक भजन में मनाएंगे लेकिन भजन खत्म होते ही वापस सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है व्यवस्था नहीं बिगाड़ेंगे उठाइए दोनों हाथ बोलिए तंदन दास जी महाराज की हो आए हैं बनड़ा बन तन धन आए हैं आए हैं बनड़ा
बन धन धन आए हैं। अरे लाए हैं लाए हैं सब खूब बराती लाए हैं, लाए हैं सब खूब बराती लाए हैं। अरे नगर हिसार से महम ढोकवा, 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 सब तेरी मन भाए हैं आए हैं आए हैं। तन धन धन आए हैं, अरे आए हैं आए हैं, बदड़ा बन धन धन आए हैं। सगा संबंधी तन धन के, सगा संबंधी तन धन के, आए हैं बाराती देखो बन धन के, आए हैं बाराती देखो बन धन के, अरे सगा संबंधी तन धन के, सगा संबंधी तन धन के, अरे सच धज कर हर खाए हैं बन्ना बन तन धन आए हैं, सच धज कर हर साए हैं बन्ना बन तन धन आए हैं। अरे आए हैं बन्ना बन तन धन आए हैं, तन धन नारायण की जोड़ी भी निराली है, दूल्हा भी निराला है, की घोड़ी भी निराली है, दूल्हा भी निराला है, घोड़ी भी निराली है, तन धन नारायण की जोड़ी भी निराली है, तन धन नारायण की जोड़ी भी निराली है। अरे मन ही मन मुस्काए हैं बनना बन तन धन आए हैं, मन ही मन मुस्काए हैं बनना बन तन धन आए, अरे आए हैं आए हैं बनना बन तन धन आए हैं। रंग पगड़ी बांध खड़े, रंग पगड़ी बांध खड़े हैं, कुछ रंग पगड़ी बांध खड़े, कुछ रंग पगड़ी बांध खड़े हैं, दरवाजे पर डटे अड़े हैं, अरे दरवाजे पर डटे अड़े, दरवाजे पर डटे अड़े हैं, सब बलिहारी जाए हैं बनना बन तन धन आए हैं। तन धन की शादी है आज, तन धन की शादी है आज, तन धन की शादी है आज, तन धन की शादी है नारायण तन धन की जो
आज तन धन की शादी है, आज तन धन की शादी है।
रही मंगलाचार, आ रही मंगलाचार। कितने भूले कितों को याद रहा, बैठ जाओ बैठ जाओ। चटनी ले आई, तने पता ही को नहीं, बमा की बात है। बोलिए सच्चे दरबार की। मैं हिंगोली गयो साहब, डारा घरे रुकिया, मैं गजब को खानो बा चटनी, मैं तो अड़ा अड़ा करके खाई के खत्म नहीं हो जावे, खूब चलाई। चलो आओ, सावन को महीनो है, क्यों आप लहसुन प्याज की बात करा। माई को नाम लो, ओ झुंझुनू वाली दादी हमें तेरा ही सहारा। तो तंदनदास जी घोड़ी पर चढ़कर के आज ढोकवा आ गए, तो आइए ढोकवा में स्वागत करते हैं। अरे तन धन सुंदर वेश सजाए, मन मदन सज घर मही आए, पीत भरण घोड़ी पर राजे, चाली दीख थग राजे ही राजे, ओ कमला राम मित्रों के संगा, अति प्रसन्न सुवारी तुम जाली राम गणेश मनाई, गुरु समेत बैठ रख जाई, चोट नगारे पर पड़ी घूसुर मंत्र उचार, कोकिल कंठा कामिनी गा रही मंगलाचार, गा रही मंगलाचार। ओ हर शिव रात की ओ प्रस्थाना, मोत सब मुनि मंगल विधि नाना, ओ थर मिल पाम गाय मिल भाए, मंगल सगुन बरात बताए, ओ बहुत विनोद बरात कीने, अल्प समय डो कब आली है, सगुन सुमंगल देख करे पार गणेश मनाए, और जनवास के सामने रुके बराती आए, रुके बराती आए। ओ रे जय जय, ओ बोलो रे जय जय, तो कहो रे जय जय, सती रानी के माँ बड़ी झुंझन वाली के, सन विचित्र पावड़े पर मत परिहर, सुंदर तम दीने जनवासा, जह सब कछ सब भाति सुपासा, नारायण बरात पुर जाने, सब कुछ निज माया प्रगटाने, ओ सुमिरर हृदय सब सिद्ध बुलाए, करह जाए सर बरा सुहाए, पुर सामल ठाड़े कर जोड़े, नाऊ सेवक इत युत दौड़े, हर जाली राम मिले हर शाये, आसमधि को गले लगाई, ओ भांति भांति के खाद्य मंगाए, दूध आमरस भाग बताए, दूल्हा देख सकल सुख माने, घर घर नारी करे बखानी, कैसा सुंदर दूल्हा आया, सखी सुन सबकी मन भाया, जनु ब्रह्मा निज हाथ सवारा, शाम सलोना कैसा प्यारा, नहीं प्रकार बेला रमाकांत हर्षा, सगला भगति हर्षा, हर सजे बरात निशान बजाए, धन धन सिर सहरा बंधाए, ओ नाचत नटी बाज रही बेरा, आ पहुँची गुर सामल घेरा, धन धन ने घोड़ी पर चढ़ कर सुनाए, कोकिल कंठ भामिनी गाए, तोरण कामन गीत सुनाए, कोकिल कंठ भामिनी गाए। कोकिल कंठ
भामिनी गाए। भामिनियों की बात है साहब, आप लोग गाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आइए मिलकर के गाते हैं। इतना अच्छा ये लोग साथ दे रहे, थोड़ा सा सुर तुम भी मिला लो तो शायद चार चांद लग जाए मंगल को। गाओ मिलकर के। हरि तोरण आया राइवर हर हर का प्याराज पूछो सिरदार बनेले जी मैं काई जाना मारा जोशी कामड़ गारा राज जोशारो कामड़ ढेला छोड़ो राज मैं काई जाना मारा नाई कामड़ गारा राज नाया रोने चुका स्या कामड़ ढेला छोड़ो राज हरी कुकड़ी चाय बांधुना चन को पूत एक सलाम भाई दूसरी सलाम तीसरी सलाम थारा बाप की गुलाम जद मारा कामण साचा राज तोरण आया राइवर हर हर का प्यार ओ बनो काकड़ आये बिराज जी रस का मणिया ओ जी बनो तोरण आये बिराज जी रस का जी मारो बनड़ो फेरा आये बिराजो जी रस और मारो बनड़ो थापा आये बिराजो जी रस कामड़ी ओ जी मारो बनड़ो महला आये बिराजो जी रस कामड़िया तो नारायणी बहुत हर्षाई सुंदर कर जय माल सुहा शारदा मना गुरु को शीश नवाय तन धन हर्षित आ गए बैठे मंडप जाए बैठे मंडप जाए तो कहो रे जय जय मैंने कहीं ना कोई हिलतो डुलतो दिखे तो मैं सोचू कुछ अरे बोलो रे जय जय ईमानदारी से बोलो किस किस ने बोला बा पीछे हाथ के कोनी उठे वाने पतो आगे वाला कर रहा मेहनत करवा दो अपन कहीं हा साहब इस दरबार में जो कुछ जितना करेगा ना उतना ही मिलेगा अटे तो कलजू गए गुरु की करनी गुरु का सागर चेला की करनी मैं पढ़सी हूँ मने देसी तू पढ़सी तने देसी यो पढ़सी इन्हें देसी माई तो अरे भाव पड़ेगी काम करेगी भाव पड़ेगी दादी मांगणिया ने कद महीनाट करसी दादी मांगणिया ने कद नहीं नाट करसी अरे मांड ले तू झोली दादी आज भरसी हो मांड ले तू झोली दादी आज भरसी मांड ले तू झोली दादी आज भरसी इसीलिए मिल करके गाइए हर कहो रे जय जय हो बोलो रे जय जय हो कहो रे जय जय सती रानी के बावड़ी झूझण वालों के साउंड वाले भैया उनसे बोले ना ढोलक की थाप को थोड़ा खोलेंगे इतना सुंदर साउंड में वो ढोलक दब गई उनकी हो कहर जय जय सती रानी के मावड़ी झूझण वाले कहर जय जय सती रानी की मावड़ी झूझण वाले
बोले बोले रे जय जय सती रानी की मावड़ी झूठन वाली की कहर जय जय सती रानी की मावड़ी झूठन वाली की पतम गजानन नवग्रह पूजा सामल ब्राह्मण पद पूजा अर पूजे सकल देव सिर नाई दूल्हे से पूजा करवाई सकल भांति श्रृंगार बनावा सखिया गाई गीत बधावा तिलाजी दाहिने तन धन भाग बिराजी वरण न जाय मनोहर जोड़ी दरस लाल सास कुछ न थोड़ी हर संवत तेरा सोए कावन नवमी मन सिर सुधी सुहावन हर को धूलि का समय विचारी अति सुपास सब भाति सुखाई कल पानी ग्रहण समय शुभ जानी कुल गुरु की आज्ञा अनुमानी गुर सामल ने अति हर्षाई दे दिया कन्यादान सुहाई सकल गाँव की ब्याही जाई स्वस्ति वचन भूदेव उतारे होने लगे फिरे सुखकारे स्वस्ति वचन गुरुदेव उतारे होने लगे फिरे सुखकारे पहलो फेरो नारायण ली न्यो तो बाई दादो जी ने प्यारी ओरा रुपया खूब लुटाया जीरा हो पछ दूजो फेरो नारायण ली न्यो तो बापू जी ने प्यारी हो रहा धन धन खूब लुटाया जीरा ओ बचती जो फेरो नारायण लियो तो नारायणी मायड़ ने प्यारी हो रहा सुनो खूब बतायो जीरा ओ बच चौथो फेरो पंडा जी लियो तो बाई सा होया पराया हो रहा श्लोक पर ही राधे सा दूजे माणक मोती तीजे चौथे सोनो देशा मोजी राम जी की पोती गुरसा मल जी ढोक वेका जाली राम हिसारो धन धन दूल्हो आयो सोड़ो सासू जी को प्यारो साला हेली सारी लुगाया सारी छोरिया साली नारायणी भन घर के शोभा जो चंदा बुझियाली अर सुसरो मारो इंदर राजा सासू जी इंद्राणी श्लोक सुनाया साड़ा ने कछुकाया दादी जी की कृपा हुई तो रमाकांत चित आया ओ रमाकांत चित आया रमाकांत चित आया तो जुए का दस्तूर कर देवी देव पूजा अरे कवर कलेवा हो गया अजीवारी सजन गोठ को जाए अरे गुरसामल लिए बोले बराती जी जलवार बैठ बहु पाती बनी अनेक विचित्र मिठाई खीर छनसम की सुहाई कि अति प्रमोद जी में बाराती ताना कोकिल कंठा गाती ताना कोकिल कंठा गाती तो फिर गाओ ओम हरे ये पीछो कर गीता बचत है जे कोई सुनबा आवे जी हरि को बातो आवे मारे बंसीदार लूटे बतावे जी हरि को सुनबा तो आवे मारे जाली राम लूटे सुन सुन ज्ञान बढ़ावे जी हरि को सुनबा तो आवे मारे जुगी राम लूटे सुन सुन ज्ञान बढ़ावे जी हरि को सुनबा तो आवे मारे कमला राम मायर सुन
सुन सुन ज्ञान बढ़ावे जी हरि को सात जले भी दे कर गुर सामल अरसाए सत्य भगवानी जीव कर जाली राम सुख पाए जाली राम सुख पाए ओ मैदा को सिरो करो पूरी करो पचास पांचों बांधो आंगली छठों बांधो घास मूर्ख हो तो जीवियो देखो लो मारो गास जाली राम के घर सु आया गुरसामल के पास अरे सगा जी माई साथ मिटाई छूटा मारा दास की बंसी धरजी संभल कर बैठियो छात पर सू लाडू आवे गड़ 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 गम डरपो मत सगी जी ने ले जा डरपो मत डरपो मत सगी जी ने कि जाली राम जी संभल कर बैठियो छात पर सू लाडू आवे मत सगी जी ने ले जा शादर को मत सगी जी ने ले जा शादर को मत कि झुकी राम जी संभल कर बैठियो छात पर सू लाडू आवे मत सगी जी ने ले जा शादर को मत मन प्रसन्न जी में बाराती मोद प्रमोद कही नहीं जाती करी जी मन आचमन कराया मीठा बीड़ा पान मंगाया तो सजन गोठ एही बात कर जी मड़वार सुहान गुर सामल करने लगे पहरा बड़ी महान की जाली राम करी पहराई मधुर गीत धुन अति सुहाई अजी आवो आवो मौजी राम जीरा पूत गुर समल करो रेशम कपास के दरी गलीचे कई प्रकार के वो हाथी घोड़ा ऊंट रतारू इन्हीं बहुत प्रकार सवारी बहु प्रकार में भावे थाना ये बहुत भांति भगवाना सकल बाराती लिए बुलाई आदर सहित खड़ी पहराई नाना वस्तु बाराती ने पाई सकल चाकर तेजे तो सजवाने समझी समझे थे स्वर्ण वस्त्र दिए अति सुहाने नहीं प्रकार का सन सनवाने आई विधि कर पैरावणी वर्णन कैसे जाए जगदम्बा पैरावणी शारद सके नगा शारद सके नगा और जय जय अच्छा याद रहा आपकी बार फिर से हो बोलो रे जय जय हो कहो रे जय जय सती रानी के बाल की झूलन वाली के कहो रे जय जय सती रानी की आवड़ी झूलन वाली बोलो रे बोलो रे जय जय सती रानी के मावड़ी झूलन वाली के कहो रे जय जय सती रानी की मावड़ी झूलन वाली की रथ अनेक सुंदर सजवाए दासी दास तुरंत बैठाए स्वर्ण जड़ित पालकी मंगाई नारायणी के लिए सजाई विदा गीत गाए नर नारी सुंदर सीख सुखारी अपने घर जा सुता प्रवीणा पति के अनुशासन में रहना सास ससुर की सेवा करना नारी धर्म निभाते ओ देवर ननद और देवरानी सबको रखना ही ये लगानी ओ सुच सेवक दासी अरुदासा सबके मन तुम करो निवासा ओ गौ ब्राह्मण और संत जनों की सेवा करना वृद्ध जनों की जब च
चलने की बेला आई, निकल भए सब लोग लुगाई, कैया आई दौड़ कर बचपन से थी साथ, आंखों से आंसू बहे चाटन लागी हाँ, चाटन लागी हाँ, वो कहो जय जय, वो बोलो रे जय जय, वो कहो रे जय जय सती रानी के माँ बड़ी गले लगाई बाबा कर गाई रंभाई, अरे हाथ लागे लोग लुगाई और जोर गाई रंभाई, अरे माता जब समझावन आई माता मुख चाटन लगी गाई, वो मात चरण चाटन लगी गई अजीब कहतन की रहन दे मैया, रखवाले को तुरंत बुलाया मुश्किल से नोहरी पहुंचाया, दौड़ दौड़ सखिया आती थी बिलख गले से लग जाती थी, वो सकल जगह करुणा रस फूटा रोई बिना न कोई छूटा, वो माता बोली गले लगा कर मुझे चली किसको संभला कर, बिलख मात के गले लिपटानी रो रो कर हिचकी बलधानी, ममता वैसे हाथ फिराई बोली महतारी समझाई, वो अमर सुहागन लाडो मेरी पटी चरणों में ही गति तेरी, वो सुंदर सीख यही है बेटी कभी न करना पति से हेटी, पिता ससुर दो कुल चमकाना मत लाडो मेरी कोख लजाना, वो दुल्हन बोली मात को छाती से लिपटा, धीरवान वीर
हिचकी गई बनाए हो धर धीरज बोले विकलाई बेटी लेना सदा बड़ाई बहु समझा पुन गले लगाई नारायण बाल की चढ़ाई माता ने आशीष सुनाई सदा सुहागन तू मेरी जाई आशीर्वाद दीन सब जाओ फलो भूत दुध में नहाओ विकल बनाए सकल नर नारी चरण पकड़ कर आशीष बहुत जी भर कर पास पड़ोस की भाभिया आई झुंड बना ले चाया मर दे रख जो ही ये लगा रख जो ही ये लगा प्यारा ओ जी प्यारा आज प्यारा लागो जी नण दोई मान प्यारा लागो जी श्यामल आए तुरंत समधी जी के पास अरे हाथ जोड़ अति दीन हो बोले वचन सुपा बोले वचन सुपा अरे गुर श्यामल दो हाथ पसारे दास को दीना यहाँ बधाने अनुग्रह कीना क्षमा करो अपराध हमारे भूल चूक हम नहीं कर डारी महारानी है सुता तुम्हारी रखना प्राणों से भी प्यारी वो जाली राम बोल मुस्काई दीदी सब विधि आप बढ़ाई जाली राम बोले तभी कमला राम बुला सब देवों ने गचुकाए गुर श्यामल को गले लगाए बैठी रथ बारी सुति धाई राम रवि दोनों करी नैन नीर के धाय गुर श्यामल घर को चले जाली राम हिसा जाली राम हिसा हर कर बहुबार अनेक बढ़ाए शंख बजा कर सभी विधि सभी को शीश नवा कर गुर श्यामल को अति समझा कर चली बरात गणेश मना कर ले दुल्हन को चल दिए तन तन अति हर्षा बात विनती करे देव सुमन बरसा चढ़ो तो चढ़ा वो बना
लो पाया सास चित अति हर्षाया हो नारायण भी अति सुख पाई सास चरण में चित लगाई नित नव मंगल होत बधाई आप पहुँचा लड़िहारा नाई बहुत प्रसन्न करी पहुनाई नाई को बहुत बढ़ाई हो पूज थली गज बदन मनाई